बिजनौर में देर रात तक चलता रहा। चंद्रशेखर आजाद का धरना, रात 9 बजे जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर की वार्ता, गुलदार से अब तक चली गई है 19 लोगों की जान। बिजनौर के नूरपुर में भारतीय किसान यूनियन की डकैत ने जिलाधिकारी के नाम पुलिस को सौंपा। पन में मुख्यमंत्री से मिलने की जताई इच्छा। भारतीय किसान यूनियन टिकैत के ब्लॉक अध्यक्ष ने ज्ञापन देकर जिलाधिकारी से जिले में आ रहे मुख्यमंत्री से मिलवाने की मांग की। बिजनौर के नगीना रेलवे स्टेशन पर उस समय मचा हड़कंप जब जम्मू से हावड़ा जा रही हिमगिरी एक्सप्रेस के ट्रेन के पहिए में अचानक उठने लगा धुआं। धुआं देखकर गेटमैन ने नगीना स्टेशन पर दी सूचना। सियोहारा क्षेत्र के ग्राम सुमालखेड़ी में स्थित प्राचीन शिव मंदिर और उसके परिसर में बने सार्वजनिक धर्मशाला को हटाकर प्रधान कर रहा पंचायत घर का निर्माण। इसके बाद ग्रामीणों में पनपा रोष। निर्माण को रुकवाने की हुई मांग, पुलिस बल मौके पर मौजूद। चांदपुर में मेरठ वाया हस्तिनापुर मार्ग पड़ा खस्ता हाल। कोई अधिकारी नहीं ले रहा सुध। आने जाने वाले राहगीरों को हो रही भयंकर परेशानी। किसी भी समय हो सकता है बड़ा हादसा। इस वर्ष आई भयंकर बाढ़ के कारण सड़क की साइडों की मिट्टी काटने से हुए गहरे गड्ढे। धामपुर के प्रियंका मॉडर्न स्कूल में राष्ट्रीय गणित दिवस बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। राष्ट्रीय गणित दिवस भारतवर्ष के महान गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन के जन्मदिवस के रूप में मनाया गया। लोकसभा 6 से मुरादाबाद। भाजपा पूर्व सांसद कुंवर सर्वेश सिंह उर्फ राकेश का जन्मदिन धूमधाम से मनाया गया। पूर्व सांसद के निवास पर पहुंचकर हजारों लोगों ने दी जन्मदिन की शुभकामनाएं। मुरादाबाद में RDSS योजना के अंतर्गत उपकरण बदलने का कार्य कर रही कार्यदायी संस्था की लापरवाही से हरथला मंगल का बाजार, आशियाना फेस 1 और फेस 2 में 6 घंटे बिजली आपूर्ति रही बाधित। निर्धारित समय से 2 घंटे अतिरिक्त बिजली सप्लाई बंद होने से क्षेत्रीय लोगों को परेशानी का करना पड़ा सामना। संभल पहुंचे पूर्व बाहुबली सांसद DP यादव, बोले, उपराष्ट्रपति लोकतंत्र के बड़े अधिकारी, नहीं होना चाहिए किसी का अपमान, विपक्ष को रचनात्मक भूमिका निभानी चाहिए। संभल पुलिस और इनामी बदमाश के बीच रात में हुई मुठभेड़, जिसमें एक बदमाश और एक सिपाही भी हुआ घायल, जबकि एक बदमाश पुलिस को चकमा देकर हुआ फरार। घायलों को इलाज के लिए पुलिस ने जिला संयुक्त चिकित्सालय में कराया भर्ती। अमरोहा में कक्षा 4 के छात्र की गुब्बारा फुलाते समय हुई मौत। छात्र स्कूल से लौटने के बाद 1 रुपए का खरीद कर लाया था गुब्बारा, फिर बेड पर बैठकर गुब्बारा फुलाने लगा। तभी गुब्बारा मुंह में चला गया और सांस की नली में जाकर फंस गया। छात्र की मौत से परिजनों में मचा कोहराम। अमरोहा में पालिका टीम ने मुखबिर की सूचना पर एक गोदाम से करीब 20 क्विंटल प्रतिबंधित पॉलिथीन, दोने, चम्मच आदि किए जब्त। बरामद पॉलिथीन और अन्य प्लास्टिक सामान की कीमत बताई जा रही 7 लाख। उधर अचानक हुई इस छापेमार कार्यवाही से आसपास के दुकानदारों में मचा हड़कंप। मंडल मुरादाबाद में पहली बार अभी तक न्यूज चैनल का डिजिटली महाअवतार। अब आपके मोबाइल में होगा न्यूज एवं मनोरंजन का अनोखा संसार। गूगल प्ले स्टोर में जाकर अभी तक न्यूज चैनल डाउनलोड करें और अपने मोबाइल में देखें। जनरल नॉलेज पर आधारित जीनियस कौन, स्वास्थ्य से संबंधित कार्यक्रम, हेल्थ केयर, गानों पर आधारित सुनहरे पल, अपने मंडल की न्यूज और ढेर सारे मनोरंजन के कार्यक्रम अपने मोबाइल में अभी डाउनलोड करें। अभी तक न्यूज चैनल,